रेस्टोरेंट में गया था, मैंने अब सोचा है कि धीरे धीरे चुनाव के जो प्रोग्राम होते हैं चुनाव पर कम हो, क्योंकि भाषणबाजी होती है वहां, लोगों के खाने के जरिए हम चुनाव की दुनिया के को लोगों के सामने लाएंगे। तो मैं रिचमंड सर्कल, बेंगलोर में एक बड़ी जगह है, जैसे यहाँ आप ले लीजिए जोरबाग या आईआईसी ले लीजिए, वहां उस रिचमंड सर्कल में जहां इंफोटेक के सब बड़े बड़े लोग आते हैं खाना खाने, हम बैठे थे एक उडुपी रेस्टोरेंट में, शूट कर रहे थे और उसकी शूटिंग खत्म हो गई थी, इडली वड़ा ऑर्डर किया था और किसी ने उसी समय, चार लोग एक मारुति गाड़ी से आते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं, यू आर ब्लडी एंटी हिंदू, यू आर ब्लडी एंटी हिंदू, प्लीज से मोदी की जय, मोदी की जय। अब अच्छी बात होती है व्हेन यू आर हैविंग इडली वड़ा, आप दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं नहीं तो अगर हम शूट करते होंगे और वो वही बात कहते तो शायद मैं तुरंत रिएक्ट कर लेता, पर उस समय इडली वड़ा खाते हुए मैं खुश था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मेरे प्रोड्यूसर ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया उस समय, ठीक है, वो दो तीन मिनट चिल्लाते रहे और वहां से निकल गए। उस रेस्टोरेंट में भारी भीड़ थी, 30-40 लोग थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, शायद डर के मारे नहीं था। जैसे वो निकल गए, दो लोग आगे मुझे सेइंग सॉरी सर दिस इज नॉट बेंगलोर, ये आपको बेंगलोर की तस्वीर नहीं है, ये बेंगलोर नहीं है, ये बेंगलोर शहर नहीं है। वैसे नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो घंटे बाद एक पुलिस अफसर ने हमें फोन किया और कहा वी हैव आइडेंटिफाइड दोस फोर पीपल, हमने जांच की है वो चार लोग कौन है, वो बड़े मल्टीनेशनल में काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और फिर मैं जब शाम को शूटिंग करने के बाद रिटायर हो रहा था तो मैं अपने आप से सोच रहा था कि क्या है, क्या है कि वो एक तरह से डिसेंसी जिसे कहे या बेसिक अच्छाई कहे या आप उसे किसी डिसेंसी सिविलिटी कहे, कहां चली गई कि चार लोग आते हैं एक भरे हुए रेस्टोरेंट में, चिल्लाते हैं यू आर एंटी हिंदू, मोदी की जय, और वहां से निकल जाते हैं। एक तो ये था मेरे मन में आया कि आपने इस लेवल तक इस पूरे डिबेट, इस डायलॉग को आप ले गए हैं, जहां हर व्यक्ति को एक तरह से अपने अस्तित्व को, या तो आप एंटी हिंदू है या आप एंटी मोदी है या एंटी नेशनल है, यानी एक तरह से एंटी मोदी से शुरुआत होती है, आप एंटी हिंदू है, उसके बाद होता है एंटी मोदी और तीसरा होता है एंटी नेशनल, यानी हिंदुइज्म, मोदीइज्म और नेशनलिज्म को आपने जोड़ दिया। अगर आप इस पर पूरी मोनोपोली करेंगे तो आप अभिव्यक्ति की बात कहां करेंगे, डिसेंट की बात कहां करेंगे। आपने डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया, आपने डिसेंट को डिमोनाइज किया है कि मैं अगर आपके खिलाफ कुछ भी बोलूं तो मैं देशद्रोही बन जाता हूं। ये जिस तरह से डायलॉग की परिभाषा है, जिस तरह से अब डायलॉग हो रहा है इस देश में, जिस तरह से एक बड़ा अच्छा शब्द है और वो वाराणसी से आता है जहां एक जमाने में संवाद करते थे, आज संवाद नहीं होता, आज आपको विवाद करना करने की जरूरत पड़ती है। आज आप देखते हैं ये मेरा दोस्त है या दुश्मन, ये मेरे साथ एक फेलो सिटीजन है, एक नागरिक है। वही चार व्यक्ति अगर मेरे साथ बैठते ब्रेकफास्ट के टेबल पर और मुझसे बहस करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आज किसी को बहस की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें टेलीविजन का बहुत दोष है, इसमें सोशल मीडिया का भी दोष है। टेलीविजन में हमने एक तरह से मन बना लिया है कि आज का दुश्मन कौन, स्टूडियो में कौन सा व्यक्ति है जिसे हम लाएंगे, बकरा कहो दुश्मन कहो, एक दिन कन्हैया कुमार हो सकता है, तीसरे दिन कोई और हो सकता है, तीसरे दिन कोई बेचारा वो आर्च बिशप हो सकता है, उसको कहो नहीं, आप कहो आप देशद्रोही हो या देश प्रेमी हो। जिस दिन ट्यूटीकोरिन जैसी घटना होती है, जिस दिन तेल का भाव 84 रुपए होता है, उस दिन ज्यादातर प्राइम टाइम चैनलों पर कौन सी खबर चलती है कि ये आर्चबिशप देशद्रोही है या देश प्रेमी है। ये जो गिरावट आई है हमारे पब्लिक डायलॉग में, हमारे डिस्कोर्स में, हमारे मीडिया में, यही वजह है
कि चार व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं कि इंफोटेक सेक्टर में है, बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, ये इस लेवल तक आ गए हैं कि वो रेस्टोरेंट में आकर गाली गलौज कर सकते हैं। हमें अरे बच गए कि हमारे खिलाफ तो गाली गलौज होती है, कहीं गौरी लंकेश उसी बेंगलोर में उसके खिलाफ गोली लगती है। और उसका एक ही कारण है, द स्पेस फॉर डिसेंट इज श्रिंकिंग। और ये अर्बन मिडिल क्लास खासकर की जो है ये इसकी सबसे बड़ी शिकार है। ये पूरी जो ये जो एक माहौल बनाया गया है, इसके फुट सोल्जर्स कोई गरीब नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, आप मैडम ने कहा सही है, किसान नहीं है। इसके जो फुट सोल्जर्स है वो है शिक्षित, प्रधानमंत्री की तरह नहीं है लेकिन डिग्री है जरूर इनके पास। बड़ी डिग्री भी पाई होगी, डिग्री से आपको सभ्यता नहीं सिखाई जाती, डिग्री से आपको डिसेंसी नहीं मिलती, डिग्री से आपको बहस करने की ताकत नहीं मिलती, डिग्री से बस आप उस एक तरह से किसी ने मैजिशियन बन गया है कोई, आप उसके साथ चलते हैं और आपको लगता है ये आपकी दुनिया है। Therefore, to fight this battle, ये जो जंग आपके सामने है, to build an inclusive India and to look at notions of democracy and dissent, आपको पहले ये urban middle class को tackle करना है। ये इस पूरे army का, क्योंकि ये सेना है एक तरह से, इस सेना के जो foot soldiers हैं, ये हमारी ही दुनिया में है, हमारे ही school गए थे, हमारे ही college गए थे, शायद हमारे साथ डिग्री किए हैं और यही बन गए हैं नए ताकतवर, और उनको लगता है कि उनका समय अब आ गया है, बहुत सह लिया, अब हमारा समय है। आप उनसे जब डायलॉग करते हैं आपको पता चलेगा किस तरह का डायलॉग होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कहेंगे आपको, लेकिन यू नो द फैक्ट इज हिंदूज हैव बीन टॉर्चर्ड इन इंडिया फॉर टू। फिर आप उनको सच्चा रिपोर्ट दिखाएं, जो भी दिखाएं, उसको कोई लेना देना नहीं उससे, पर मन में बैठ गई है बात, मुस्लिम्स आर प्रोलिफरेटिंग, बहुत हो गए सब तरफ देखो। अब बेचारे क्रिश्चियन भी, मेनी ऑफ देम हैव गॉन टू क्रिश्चियन स्कूल, आप गए क्रिश्चियन स्कूल में, पादरियों ने आपको पढ़ाया, लेकिन अब आप कहीं ना दिस क्रिश्चियंस दे आर कन्वर्टिंग, इनके गुरु है वो मोहनदास पाई जैसे लोग। मैं सोच रहा था इंफोटेक कैंटर, जब मुझे कहा गया ये चार इंफोटेक सेक्टर से, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, अरे उनके गुरु तो वो एचआर डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे इंफोसिस में, मोहनदास पाई, जो रोज कहते हैं ट्विटर पर, रोज आकर कहेंगे ये कन्वर्जन बंद करो। अरे जब ऊपर वाले जितने गिर गए हैं तो नीचे से क्या होगा, दैट इज ट्रू ऑफ द मीडिया, जहां जब ओनर या एडिटर इस तरह की अगर कल भाषा करने लगे, या बड़े बड़े एंकर देश के नाम पर संदेश देकर इस तरह की भाषा करने लगे, तो आप रिपोर्टर से क्या उम्मीद करेंगे। ये दिस इज अ फेज पॉसिबली, बट दिस इज सर्टेनली अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज द अर्बन मिडिल क्लास जो है उनका जो होल्ड है लोगों के मन पर, जो इस तरह से एक तरह से डायलॉग पर उनका एक दे हैव अ मोनोपोली टुडे, that is the danger that we face. The challenge, क्योंकि उस दिन मुझे ये भी लगा कि इनके पास पावर जरूर है, उनको लगता है कोई उनको टच नहीं कर सकता, कोई they will, ऐसे माहौल में किस तरह से आप इनको चैलेंज करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के माहौल में लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, हताश होकर नहीं जाना चाहिए, वक्ताओं को यह दिखाना चाहिए कि कर क्या सकते हैं, वी हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन यू फेस अ चैलेंज लाइक दिस, क्या हो सकता है। तो मैं उस पर फोकस करूंगा। एक तो है कि आप अब चुप नहीं रह सकते, यू कैन नॉट बी द साइलेंट मेजोरिटी। बहुत कहते हैं हम, खासकर की जो मीडिया वाले हैं लिखते थे, कहते थे वी आर द साइलेंट मेजोरिटी इज विद अस, ये जो है ना ये सब चिल्लाने वाले हैं, ये एक्सट्रीम व्यूज है, लेकिन जो शांत लोग हैं, ज्यादातर बहुसंख्या है, वो सब हमारे साथ है।
परसेंट ही वोट आया आखिर में, मेजोरिटी इज विद अस, सॉरी वो अब नहीं चलेगा। 31% हो, 22% हो, 30% हो, एक बार आपको सरकार मिली वो सरकार आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दे आर द मेजोरिटी गवर्नमेंट, क्योंकि द सो कॉल्ड साइलेंट मेजोरिटी हैज बीन साइलेंट टू लॉन्ग। नाउ यू विल से हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं कहता हूं आपके नेबरहुड में, आपके दोस्तों के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कौन रोकता है आपको अपनी बात कहने के लिए? कहां से यह डर पैदा होता है? हाँ, शायद आपके न्यूज रूम में यह डर होता है अगर आप पत्रकार हैं कि अगर मैं ये कहूं तो क्या मुझे इंक्रीमेंट मिलेगी, मुझे पोजीशन मिलेगी, ये सब है। बट हु टोल्ड दोस फोर जजेस इंक्लूडिंग वन हू इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस दैट इफ यू गो देयर यू विल लूज योर चीफ जस्टिसशिप? दे वेंट एंड स्पोक आउट। Who stops people from speaking out? किसी ने आपको रोका नहीं है। मैं ये नहीं मानता, जब खास करके एक्टिविस्ट दोस्त कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मैं नहीं मानता। इस देश में लोकतंत्र जीवंत है जब तक आप बोलने की आजादी है। हम चीन नहीं है, हम डर गए, हम खुद करते हैं कि कल क्या हो। किसने रोका है? किसी ने रोका नहीं है। हाँ, हो सकता है यू लूज आउट एज अ रिजल्ट, दैट इज पॉसिबल, कि जो आप चाहते थे, आप ये करना चाहते थे वो करा, आपके एम्बिशंस कम हो सकते हैं, बट देयर इज नो स्टॉपेज इन दिस ग्रेट कंट्री ऑफ आवर्स। वी मस्ट नॉट फील दैट डेमोक्रेसी इज ओवर एंड देयरफॉर वी मस्ट स्पीक आउट एंड स्पीक आउट एज ऑफन एज पॉसिबल। साइलेंट मेजोरिटी इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। द सेकेंड थिंग, कि हमें सोसाइटी में एक तरह से हमारे समाज में लोगों के साथ बड़े बड़े कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। हम इस समय एक तरह से अपने इको चेंबर में है, एक बबल में है, हम एक दूसरे से बात करते हैं। आप मुझे मेरी बात अच्छी लगी, आप कहते वेल डन, थम्स अप करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो इको चेंबर है, डेमोक्रेट्स या इंक्लूसिव इंडिया ग्रुप, एक दूसरे से हम बात करेंगे, बहुत खुश होते हैं कि देखिए सब मोदी जी अब गिर रहे हैं, क्योंकि हम कोई मेल दिखाएंगे, कोई एक दूसरे का जोक शेयर करेंगे और कहेंगे इंडिया इज चेंजिंग, मोदी जी हार रहे हैं, देखिए व्हाट्सएप पर दिखा दे। मैं आपको दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाऊंगा जहां बिल्कुल विपरीत आपको स्थिति दिखेगी। कुछ महीनों पहले किसी एक राइट विंग ग्रुप ने मुझे फोन करके कहा, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप? मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा जरूर करेंगे, और एक महीने के लिए बड़ा एक अच्छा डायलॉग हुआ, फिर कुछ बात हुई और गाली गलौज शुरू हो गई। गुजरात के चुनाव के बाद गाली गलौज फिर से शुरू हो गई। फिर मैंने कहा अब इस ग्रुप में रहने से मुझे कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन उस कम से कम 2 महीनों के लिए जब भी मैं कुछ लिखता था वहां उस पढ़ते थे जरूर। और मैं समझता हूं कि आपको कहीं ना कहीं ये संवाद करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि दूसरी जो लोग हैं वो आपके दुश्मन, आपको दुश्मन मानते हैं, आप उन्हें अपना दुश्मन नहीं मान सकते। आपको कहना पड़ेगा वो नागरिक है, बिकॉज देन यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप दैट दे वांट यू टू फॉल, कि यू आर द लिबरल्स, लेफ्ट लिबरल्स कॉट इन योर इको चेंबर। एक दूसरे की बात आप सुनते रहते हैं, आपको दूसरी तरफ संवाद करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे ये सबसे बड़ी चुनौती है। और यहां से मेरी तीसरी पॉइंट आती है कि आपको नए अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। किस तरह के अलायंसेस? 2 दिन पहले मैं केराना गया था जहां अगले हफ्ते चुनाव हो रहा है। केराना में लोग बहुत गुस्सा है। गुस्सा किस वजह से? अगर आप आदित्यनाथ से पूछेंगे तो वो कहेंगे जिना से गुस्सा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गन्ना से गुस्सा है। गन्ना वर्सेस जिना, वहां शुगर केन फार्मर्स, गन्ने के जो किसान है, उनको 10 साल से अपने केन के ड्यूज जो है पैसे अभी तक नहीं मिलते। और वहां की जो हकीकत यह है कि मिल ओनर जो मुझे मिला, एक मिला वो था मुसलमान, एक मिल ओनर मुझे मिला वो जाट था, लेकिन ज्यादातर जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले थे, जो वहां किसान थे, वो तो या तो दलित थे या मुसलमान। अब जब तक उस मिल ओनर को अपने गन्ने का दाम नहीं मिलता, वो किसान को अपना दाम नहीं देता, तो किसान जो यहाँ जो वहां जो वर्कर है उसको नहीं मिलता, जो मजदूर है, तो मजदूर गुस्सा है।
किसान गुस्सा है, मिलोनर गुस्सा है, अब इनको जोड़ेगा कौन? अब प्रॉब्लम हमारी है कि हमारी राजनीति जो है वो चुनाव टू चुनाव चलती है, चुनाव टू चुनाव तक। अब अजीत सिंह और जयंत चौधरी वहां पहुंचते जब चुनाव होता है तब आरएलडी नजर आती है, पांच साल कहीं नहीं होती। लेकिन आप और हम या कोई भी जो नागरिक है या इस तरह के ग्रुप्स हैं, क्या वोट उस समय नहीं हो सकते? जब उनकी लड़ाई चलती है तब कौन होता है? कर्नाटका में मैं रायचूर गया था, वहां महिलाओं का आंदोलन चल रहा है पीने के पानी को लेकर, ड्रिंकिंग वाटर। उन महिलाओं ने बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था, वो कह रहे थे कि बंद करिए ये जो आप जो जिस तरह से यहां नशा चल रहा है और शराब चल रही है, शराब बंद करिए, पीने का पानी दीजिए। और 45 डिग्री की उस गर्मी में उन्होंने छोटा सा अपना आंदोलन वहां रायचूर में शुरू किया। अब उनके साथ कौन जुड़ेगा उस आंदोलन के साथ? कोई वही कैराना में नजदीक चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के नेता है, उनको 11 महीनों से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में डाला गया है। वहां के लोग जो खास करके मैं कन्हैया को कह रहा, दलित युवा उनसे बहुत लगाव है, बसपा उनको बसपा लेकिन उनको समर्थन नहीं करेगी, दलित नेता है लेकिन नहीं करेगी क्योंकि उसे प्रतिद्वंदी देखती है। लेकिन जो वहां लोगों में गुस्सा है दलित कि हमारे एक नेता को, हमारे एक बच्चे को आपने वहां जेल में डाला 11 महीने के लिए एनएसए में, कोई उसे वहां से बचा नहीं रहा, कौन उसकी बात करे? आप टूटीकोरिन को लीजिए, वहां 100 दिन से वो आंदोलन चल रहा था, ये हमारे मीडिया में हमारे सामने या नेताओं के सामने, तमिलनाडु के नेताओं के सामने तभी आया जब गोलीबारी हुई, लेकिन वो स्टेरलाइट के खिलाफ वहां आंदोलन महीनों से चल रहा है। मेरा ये कहना है कि हमें इन अलायंसेस को बढ़ाना पड़ेगा। हम केवल एक लक्ष्य अगर रखे कि मोदी जी को हटाना है, क्या सरकार बदलेगी देश बदलेगा? सरकार बदलेगी ये देश नहीं बदलेगा। आप जानिए ये परिस्थिति आई क्योंकि पिछले सरकारों ने जो किया और 1980 के दशक तक जा सकते, यही वजह है कि ये आज हुआ। उनकी 30 सालों की नाकामियों की वजह से लोगों को लगता है आज सेक्युलरिज्म की बात करें तो आप देशद्रोही हैं, आप कमजोर हो गए। इन्होंने सेक्युलरिज्म को बदनाम किया, इन्होंने उसका फायदा उठाकर सत्ता पाई, ये असलियत है। और उसको अगर हमें बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें ये इंक्लूसिव इंडिया को इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से दूर लेकर हर जगह जाना पड़ेगा जहां लोगों की पीड़ा हमें नजर आती है, और तब आप देखिए देश कैसे बढ़ेगा। ये शायद एक महीने में नहीं होगा, ये केवल बंगलोर में 20 नेता अपने हाथ उठाकर जब चलते और हम खुश होते हैं, देखिए चैलेंज आ गया, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये अवसरवादी रहा, ये अपनी जगह है और नेता करते रहे। लेकिन आप और हमको अगर देश वाकई बदलना, अगर वाकई इंक्लूसिव इंडिया बनाना है, वी विल हैव टू बिल्ड इट एट डिफरेंट लेवल्स। इट कैन नॉट सिंपली बी अ वन मैन वन एजेंडा शो, कठुआ हुआ उन्ना हुआ, वी गेट एंग्री एंड वी गैदर, इट कांट बी दैट। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट 365 डेज 24/7। वी मीनिंग वी इन द मीडिया हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ इट, यू एज यंगस्टर्स, सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री इन वेरियस फॉर्म्स। And no one is helpless. You can tap your own neighborhood and change the world. Finally, let me leave you with a couple of more last thoughts. One is journalists, पत्रकार खास करके। हमारे सामने एक चुनौती ये है कि हमें आज की तारीख में उसी तरह से बांटा जा रहा है जिस तरह से समाज को बांटा गया। आप लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट हैं, आप राइट विंग हैं, आप कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, आप बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, अरे भाई हम पत्रकार हैं। और पत्रकार की एक ही, मुझे लगता है एक दायित्व होता है कि जो भी सरकार में हो उसे आईना दिखाइए, और आईने में चेहरा हमेशा ऐसा दिखाइए जिसपे केवल वो सुनहरा ना दिखे, बिकॉज वी अनफॉर्चुनेटली हैव एम्परर्स हु वेयर अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, बट एक्चुअली द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। And that is our job to show कि यार तुम बड़े राजा बन गए, but you actually have no clothes. That is our challenge. 4 साल हो रहे हैं, आप देखेंगे emperor will have even more clothes than ever before.
He's the only karma yogi I know who has so many clothes. But our job as journalists is to show them that they have no clothes. We have to show the same to the previous regime as well. Ab Mamata Banerjee, aap democracy and dissent ki baat karte hain. Aap Bangal chale. Wahan agar main Facebook post bhi karu Mamata ke khilaf to main jail ja sakta hu. There are cases. A doctor was removed from his government job. Should we not protest against that? Should our protest only be about one individual, one person? Our protest should be about a system. That is when, according to me, we will recover the moral authority to speak up more often. Hamari moral, you see, what is lacking at the moment? There is no moral leadership. You know, who was the greatest Gujarati? Not the person who believes he is, but the great Mahatma Gandhi. In case you thought there is somebody else. And the only reason was he provided moral leadership. And the challenge of our times, I think, is to provide moral leadership. Even as journalists, patrakaron ko dikhana padega ki aap Mamata ke khilaf usi tarah se awaaz uthaoge jab wo loktantra ki hatya kar rahi hai Bengal mein, jis tarah se aap left ke khilaf uthaoge, jis tarah se aap right ke khilaf uthaoge. Aur haqeeqat hai ki humne ye nahi kiya hai itne saalon se. Ye sachchai. और इसी वजह से हम एक ऐसे स्थिति पर मोड पर आ गए हैं जहां लोग हम पर विश्वास नहीं करते और हमें एक तरह से बांट रहे हैं. हमारे न्यूज रूम बट गए. ये एंकर जो है वो प्रो मोदी है, ये एंकर एंटी मोदी. मैं ना प्रो मोदी होना चाहता हूं ना एंटी मोदी. मैं बस तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको. और जो सरकार में है उसके खिलाफ तो तस्वीर होगी, क्योंकि वी आर बाय आवर वेरी नेचर सपोज टू बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट. हूएवर इज इन पावर मस्ट फेस द क्वेश्चंस. Must face accountability. So we need to change that. One last thing, and this is linked to that. I think this whole battle, because ये जंग ज़रूर है, ये जंग किसी व्यक्ति के खिलाफ मत कीजिए, ये जंग कीजिए values पर, आदर्शों पर. ये जंग अगर लड़ना है और वाकई लड़ना है तो आपको उन्हें आदर्शों पर लड़ना पड़ेगा, किसी व्यक्ति विषय नहीं. आप किसी एक व्यक्ति पर अगर फोकस करोगे तो मैं समझता हूं वो जंग कमजोर होती है. लेकिन जो वैल्यूज वो व्यक्ति अगर रिप्रेजेंट करता है तो जरूर उसे टकराव दीजिए. अगर उस व्यक्ति के वैल्यूज में बिगटरी दिखाई दे, धर्म के नाम पर बांटना, या आपको लगे वो एक डिक्टेटर की तरह एक डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा हो, या वो असहनशीलता दिखाता हो, तो उन वैल्यूज को जरूर टकराव कीजिए. और वो वैल्यूज, वो आदर्शों को जहां भी चोट पहुंचती है, न केवल सरकार में लेकिन हमारे आम जिंदगी में, उन वैल्यूज के खिलाफ हमें लड़ना है. मैं समझता हूं ये डेमोक्रेसी और डिसेंट की जो लड़ाई है ये केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं हो सकती, ये आदर्श लड़ाई होनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.